और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम चेक कर सकते हैं, इनकी जो फिंगर्स हैं थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही है मुझे। यहाँ से जो झुकाव है फिंगर्स का सैटर्न फिंगर की तरफ गुलाई में मुड़ रहा है। यहाँ से आप देखें सारी की सारी फिंगर्स जो हैं उनका जो रुख है वह सैटर्न फिंगर की तरफ हो रहा है। तो वैराग्य इनकी लाइफ में थोड़ा सा रहेगा और ऐसा रहना स्वाभाविक भी है क्योंकि सैटर्न जो है वो वैराग्य का प्लैनेट है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में यहाँ पर अपोलो फिंगर की लेंथ ज़्यादा है तर्जनी से। तो यहाँ पर इनके इस केस में इनके अंदर जो क्वालिटीज़ रहेंगी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। अगर कंपेयर किया जाए लीडरशिप क्वालिटीज़ से तो थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन जो फिंगर है इनकी बृहस्पति की वो भी काफ़ी थिक नज़र आ रही है मुझे और स्ट्रेट है, थोड़ी सी ही टिल्टेशन है। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी लेकिन उसके मुकाबले में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर की तो थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है जिसकी वजह से थोड़ी शाइनेस रह सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत इनको रह सकती है। चलिए आगे चेक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और स्क्रॉल करके देखते हैं माउंट्स की सेटिंग इनके बारे में क्या क्या बताती है। तो यहाँ पर एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो देखते हैं लाइन इनके किस तरह से फिंगर्स की सेटिंग को यहाँ पर शो करती है। यहाँ पर एक लाइन बनाई जाए तो कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होगी जिसमें आप देख सकते हैं सबसे हाई सेट जो फिंगर है इनकी वह अपोलो की है और उसके बाद सैटर्न, और सबसे जो लो सेट फिंगर नज़र आ रही है मुझे वह मरकरी और बृहस्पति दोनों ही इक्वल नज़र आ रही हैं लो सेट में। तो यहाँ पर क्लियर है इनके माउंट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माउंट है जो सूर्य का है, उसके बाद सैटर्न और उसके बाद बारी आती है बृहस्पति की। चलिए वन बाई वन माउंट्स को चेक करते हैं और देखते हैं माउंट्स इनके कैसा फल देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे मरकरी माउंट को। मरकरी माउंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो मरकरी का माउंट काफ़ी अच्छी स्पेस ले रहा है, काफ़ी खड़ी लाइनें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा रहेगा एक तरह से, अगर ये बिजनेस में जाना चाहे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी शाइनेस की प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वह तो रहेगी लेकिन वैसे माइंड इनका काफ़ी शार्प रहने वाला है, मरकरी का माउंट काफ़ी अच्छा। तो यहाँ से थोड़ी सी टिल्टेशन है जिसकी वजह से थोड़ी शाइनेस जैसी प्रॉब्लम रह सकती है। आगे चेक करते हैं सूर्य माउंट को। सूर्य का माउंट काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर इनके हैंड में मिल रही है सूर्य को, और सूर्य की जो रेखा है वह थोड़ी सी मुझे धुंधली दिखाई दे रही है, कम नज़र आ रही है। इस साइज़ की लाइन यहाँ पर बन पा रही है और यह जो इस साइड से लाइन आ रही है यह गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी हो रही है और सूर्य रेखा भी है, और सूर्य रेखा की वजह से फेम मिलेगा लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ की सूर्य रेखा है तो फेम जो है लेटर एज में मिलने के चांसेस हैं। और यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस काफ़ी क्लियर बन रहा है जिसकी वजह से इनके अंदर इमोशंस ज़्यादा रहेंगे, इमोशनल थोड़ी प्रॉब्लम इनको उसकी वजह से रह सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस साइज़ का गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है और कुछ हद तक यह क्लियर है, यहाँ तक यह गर्डल ऑफ वीनस काफ़ी क्लियर है और यहाँ से थोड़ा सा वीक है बीच में से, इसको हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस ही कह सकते हैं। थोड़ा सा जिस हिसाब से जितना ये ज़्यादा क्लियर होता है उतने इसके पॉजिटिव फल भी होते हैं, जितना यह टूटा हुआ होता है तो थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो नेगेटिव इफेक्ट्स में यहाँ पर इनको थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है जिसको मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम कह सकते हैं, मूड में अप एंड डाउन होता रहना, कुछ इस तरह की दिक्कत इनको यह गर्डल ऑफ वीनस दे सकता है। और यहाँ सूर्य की तरफ से बुध को यानी मरकरी को जाने वाली लाइन काफ़ी बेनिफिशियल होती है, यह व्यक्ति को काफ़ी लाभ धन लाभ दिलवाती है। और यहाँ पर जो लाइन नज़र आ रही है यह जो लाइन है यह सैटर्न की लाइन है जो नीचे से चल रही लाइन को ओवरलैप होकर पहुँच रही है, यह भी काफ़ी अच्छी रहती है जॉब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैटर्न को हम देख चुके हैं, सैटर्न के ऊपर जो फॉर्मेशंस नज़र आ रही हैं, सैटर्न का माउंट एवरेज नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक लाइन गर्डल ऑफ वीनस की है और दूसरी सैटर्न की लाइन ही वाई शेप बन रही है जो काफ़ी बेनिफिशियल इनके लिए रहेगी। काफ़ी नीचे से लाइन चलती हुई आ रही है तो सैटर्न का माउंट भी इनको काफ़ी अच्छे फल देने वाला है।
आगे चेक करते हैं बृहस्पति का माउंट। तो बृहस्पति माउंट जैसे हमने देखा था फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर माउंट दिखाई दे रहा है। माउंट के ऊपर यहाँ पर जो लाइन है प्रोग्रेस की वो भी नज़र आ रही है और ओवरलैपिंग लाइन भी उसकी नज़र आ रही है, तो प्रोग्रेस इनके लाइफ में काफ़ी रहने वाली है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक लाइन जो हृदय रेखा की लाइन है वह मंगल की तरफ रुख कर रही है, काफ़ी सीधी लाइन है हार्ट की इनकी। अगर देखा जाए तो यहाँ से चलती हुई लाइन इनके जो हार्ट की लाइन है थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ चल रही है, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन है और यहाँ से एक ब्रांच उसकी नीचे मंगल की तरफ चली, तो अग्रेशन रहने की संभावना है यहाँ पर इनके हृदय रेखा के इस तरह से चलने से। वैसे तो बहुत लॉयल पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है, क्योंकि प्रॉपरली जो इनकी लाइन है हार्ट की वह चल रही है बृहस्पति माउंट से, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ही लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है। लेकिन जो लाइन यहाँ नीचे की तरफ चल रही है मंगल की तरफ, यह गुस्सा यानी कि अग्रेशन भर देती है लाइफ में। तो इस प्रॉब्लम से इनको सिर्फ मंगल की पूजा करने से ही एक तरह से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करें, हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ पर लाल रंग की बूंदी या कोई चीज़ ऐसी जो लाल रंग के लड्डू जो होते हैं उनका प्रसाद चढ़ाएं, तो बहुत ज़्यादा लाभ उससे इनको मिल सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी बाकी की लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर लाइन नज़र आ रही है मुझे माइंड की। थोड़ा सा बिगनिंग में एक तरह से वीक लाइन है, लेकिन लगभग 12-13 ईयर्स की एज से काफ़ी अच्छी लाइन होती हुई नज़र आ रही है। और लाइन के साथ साथ अपवर्ड ब्रांचेस भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, और यहाँ पर जो लाइंस यह दिखाई दे रही हैं यह काटने वाली लाइंस हैं, जिसको हम राहु रेखाएं कहते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अदरवाइज लाइन काफ़ी शार्प है, काफ़ी सीधी है और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है लाइन में, तो शार्प माइंड रहेगा इनका, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस नहीं रहने वाली, काफ़ी अच्छी लाइन इसको मैं कह सकता हूँ माइंड की। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। मिडल एज में एक लाइन काट रही है, यहाँ पर तीन अलग अलग राहु रेखाएं इनकी लाइन को काट रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह एक लाइन काट कर चल रही है लाइफ लाइन को भी और माइंड की लाइन को भी। दूसरी यह लाइन थोड़ी सी वीक जरूर है, लेकिन फिर भी यह दोनों लाइनों को काट रही है, यहाँ से लाइफ लाइन को और यहाँ से माइंड लाइन को। और इसी तरह की एक लाइन यहाँ पर काटती हुई नज़र आ रही है, जो माइंड की लाइन को ही काट रही है। तो यह तीन अलग अलग एजेस में इनको एक तरह से मानसिक तनाव मिल सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पर अगर एजेस देखी जाए तो यह लगभग माइंड का जो माइंड यहाँ पर यह माइंड की लाइन को काट रही है, तो यह लगभग 30 के आसपास की एज रहेगी, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद दूसरी जो लाइन है 40 के आसपास की एज में है, और जो लास्ट वाली लाइन है यह 55 के आसपास की एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम शो कर रही है। और उसके बाद देखा जाए तो वैसे माइंड की लाइन में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं माइंड की लाइन में, अदरवाइज माइंड की लाइन काफ़ी डीप है और क्लियर है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर हम इनकी लाइफ लाइन को बहुत ही अच्छे कर्व के साथ वापस चल रही है लाइफ की लाइन। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक कर्व के साथ चल रही है और विनस माउंट की तरफ पीछे की तरफ मुड़ रही है, तो काफ़ी अच्छी लाइन है। तो काफ़ी बड़ा एरिया विनस का कवर कर रही है लाइन, तो काफ़ी शुभ है यह साइन जिसमें विनस के माउंट को काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, तो विनस की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं अंदर की तरफ जो सीधी चल रही हैं, जिनको वरी लाइंस कहा जाता है, जो व्यर्थ की चिंताएं व्यक्ति को देते हैं। तो यहाँ पर कुछ वरीज रह सकती हैं लाइफ में, जैसे यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा था कुछ चिंताएं रह सकती हैं, मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन यह कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करने वाली लाइफ को, क्योंकि लाइफ की लाइन को टच नहीं हो पा रही। जो टच हो रही थी लाइन्स वह यहाँ पर हैं जो लाइफ को कुछ इफ़ेक्ट कर रही हैं। तीन लाइन्स हैं जो अलग अलग एजेस में लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर यह सबसे पहली लाइन है, यह 20 प्लस की एज, 22 या 23 के आसपास की एज में, और दूसरी जो लाइन थी लगभग 30 की एज में,
और जो लास्ट वाली ये लाइन है यह है 45 के आसपास की एज में, 45 से 48 के आसपास की एज में, इस एज में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं। अदरवाइज इनकी अगर कंप्लीट लाइफ का चेक किया जाए तो लाइफ इनके काफ़ी लंबी रहने वाली है। यहाँ पर अगर टोटल एज मैं काउंट करूँ तो 90 प्लस के आसपास की एज इनकी यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी और लंबी एज रहेगी। कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगी लाइफ में, लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ये ओवरकम करते हुए निकलते जाएंगे आगे, क्योंकि लाइफ की लाइन में एनर्जी फ्लो में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर हम बात करते हैं ऑफशूट्स की और फेड लाइन की, इनकी किस्मत कैसी रहने वाली है पैसे के मामले में, उस चीज़ को चेक करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल डाउन करूँगा इसको तो ताकि क्लियरली हम देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइंस ऊपर की तरफ चली हैं यहाँ से निकल कर। एक ड्रॉ इसको ड्रॉ करना चाहूँगा साथ साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो लाइन है लगभग जो है इनका बृहस्पति के माउंट की पहुँच रही है, जो काफ़ी अच्छा चिन्ह है गवर्नमेंट जॉब दिलवाने का। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसके कारण बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और दूसरी लाइन यह जो नज़र आ रही है हमें, जो ओवरलैपिंग के साथ कुछ इस तरह से चल रही है और यहाँ पर एक वाई जैसा फोर्क बना रही है, यह भी लक की लाइन है, लेकिन यह चल रही है यहाँ मून एरिया से, जिसकी वजह से काफ़ी चांसेस रहते हैं व्यक्ति को मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के। तो उसके अलावा भी यहाँ पर एक लाइन है ऑफशूट है जो ऊपर की तरफ चला है, जो ऑफशूट ऊपर की तरफ जितने भी दिखाई दे रहे हैं यह सारे के सारे ऑफशूट्स तरक्की के ऑफशूट्स हैं। और यहाँ से एक वीक सी लाइन निकल कर आपको बाहर की तरफ जाती दिखाई दे रही है, जो इनकी डिज़ायर को शो करती है लॉन्ग ट्रैवलिंग की। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क लाइन नहीं है, तो घूमने ये जा सकते हैं, इवन के लंबे समय के लिए भी ये ट्रैवल पे जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट जो है फॉरेन में वो नहीं होने वाली, वह इनकी अपने कंट्री में ही रहने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक लाइन और नज़र आ रही है ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग की कुछ लाइंस इनके हाथ में बन रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग इनको काफ़ी करनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छी लाइंस भी हैं और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें लाइफ में रह सकती हैं, लेकिन फिर भी जो लाइफ लाइन का फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, काफ़ी अच्छा है, तो लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। तो लगभग यह सारे चिन्ह थे जिनको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, और मैंने कोशिश की कि सारे के सारे जो चिन्ह हैं उन सबको यहाँ पर इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट्स में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो इस वीडियो में मैं ना बता पाया हूँ, उस क्वेश्चन को मुझे इसी ईमेल पे रिप्लाई में पूछ सकते हैं, ताकि इनको मैं टाइमली मैनर पर उसका जवाब दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।